एमपी के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर कहा कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रामबाण साबित होगा। मोदी जी की घोषणा एक नवीन भारत का निर्माण करेगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आज जब कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व टूटा, थका और हारा पड़ा है, वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भारत को वैश्विक रूप से वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व का नेतृत्व करने की राह दिखा रहा है। उन्होंने कोरोना के प्रति हमारी लड़ाई के भाव को और अधिक मजबूत, सशक्त और प्रभावी किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का रामबाण साबित होगा। संक्रमण से पूरा विश्व करा रहा है, तब हमारे वैश्विक नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन हमारे अंदर साहस, धैर्य और उत्साह भरता है। भारत को वैश्विक रूप से वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को इसी ने गढ़ा है और भारत हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना को सर्वोपरि मानता है। हमारे यहां तो धार्मिक आयोजनों में भी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण, उसमें भी हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और आज एक लंबे समय बाद एक नेतृत्व भारत का जो विश्व को दिशा दिखा रहा है, वास्तव में वंदनीय है और अभिनंदनीय है। कोरोना के खिलाफ में प्रभावी लड़ाई के वो मजबूत और सशक्त बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, निश्चित रूप से वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में रामबाण साबित होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।